नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन 11। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर दहला है। जी हां, जम्मू कश्मीर के बनिहाल में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक कार में जबरदस्त विस्फोट की खबर है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि अब विस्फोट बनिहाल से 8 किलोमीटर दूर जवाहर सुरंग के नजदीक हुआ है। खबर है कि कार में रखे सिलेंडर में यह विस्फोट हुआ है। हालांकि इस विस्फोट में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि जब यह विस्फोट हुआ उस समय सीआरपीएफ की 40 से 45 वाहनों का काफिला उसी हाईवे से गुजर रहा था। कार में विस्फोट होने के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि 14 फरवरी को इसी साल पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में एक संदिग्ध कार द्वारा किए गए विस्फोट में 40 जवानों शहीद हो गए थे। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने भी पुलवामा हमले जैसे घटनाओं को दोबारा होने के लिए अलर्ट भी जारी किया था, जिसके बाद से तमाम एजेंसियां अलर्ट हैं और तमाम सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच में भी जुटी हुई हैं। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतना ही, नमस्कार। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।